हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी खबर, डबल बेंच नहीं जाएगी सरकार, क्या ये सही है? रेणुका कुमार ने दिल तोड़ने वाली बात की। अभी हम लोगों ने डबल बेंच जाने का डिसीजन नहीं किया है, यानी कि सरकार ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि डबल बेंच हो जाएगी। क्या अभ्यर्थियों का ग्रुप डबल बेंच में जाएगा? इन सारी बातों पे चलिए हम चर्चा करते हैं कि क्या कहा रेणुका कुमार ने, और क्या ये डबल बेंच जाएगी सरकार या अभ्यर्थियों का जो ग्रुप है वही जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जो बीएड का ग्रुप है वही जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या खबर है पूरी। तो अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या खबर है। जी हाँ, देखिए, डबल बेंच, रेणुका कुमार ने कहा है कि अभी तक जो सरकार ने है वो डिसीजन नहीं लिया है कि वो डबल बेंच जाएगी। ये अफवाह पूरी तरह से उड़ाई जा रही है कि सरकार डबल बेंच जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है क्योंकि चुनाव की वजह से सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में एकदम ध्यान नहीं दे पा रही है। हालांकि बीच बीच में बयानबाजी होती रहती है, अखिलेश जहाँ एक ओर से खुले तौर पर शिक्षा मित्रों के साथ खड़े होते हैं, यहीं योगी की बात करते हैं तो वो चुनाव के समय कुछ भी बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं। वो किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, ये उस वजह से उनकी चुप्पी साधे हुए हैं। तो उसी उसी बात पे कहा है कि चुनाव जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, 19 तारीख के बाद हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। जब सरकार के साथ हमारी मीटिंग होगी तो क्या हम लोग डबल बेंच जाएंगे, सरकार क्या इस पे अर्जी लगाएगी फिर से डबल बेंच के लिए, ये डिसीजन 19 तारीख के बाद ही होगा क्योंकि 19 तारीख को अंतिम फेज का इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि जब पूछा गया कि क्या आप जो अभी तक जो अफवाहें उड़ रही हैं तमाम जगह पे कि सरकार डबल बेंच जा रही है, उन्होंने कहा अभी तक हमने डिसीजन ही नहीं लिया है, तो अफवाह किस बात की? अभी सरकार ने इस पे कोई फैसला नहीं लिया कि वो डबल बेंच जाएगी या नहीं जाएगी, इस पे जल्दी फैसला होगा, 19 तारीख के बाद फैसला हो गया होगा, इसी वजह से रिजल्ट रोका गया है, नहीं तो रिजल्ट भी जारी कर दिया गया होता। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार डबल बेंच जाएगी या नहीं, इसका फैसला जल्दी 19 तारीख को हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या अभ्यर्थियों का ग्रुप डबल बेंच जाएगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों का ग्रुप डबल बेंच में जाने के लिए तैयार है, वो कहते हैं अभ्यर्थियों का ग्रुप जो कि बीएड स्पेशल ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर बात चलती है, तो वो कहे कि हम लोग हार नहीं मानेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हाल ही में डिसीजन आया है कि कुल मिला के जो बात की जा रही है कि जब अब सरकार स्वतंत्र है अपना मेरिट डिसाइड करने के लिए, क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए, तो फिर सरकार डबल बेंच में जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं जाएगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेके हम हाई कोर्ट के डबल बेंच में जाएंगे क्योंकि सरकार इस पर डिसीजन नहीं, सरकार के अलावा डिसीजन नहीं ले सकता है। कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये इसी बात पे है। तो उनका कहना है कि हम तैयार हैं डबल बेंच पे जाने के लिए, लेकिन सरकार के हम कदम का इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार क्लियर कर दे पूरी तरह से हम जाएंगे या नहीं, तो हम लोग अपनी रिट दायर करें क्योंकि अगर सरकार तैयार है तो फिर हम लोग के रिट दायर करने के बाद सरकार एक अलग रिट दायर करेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से है, जल्दी देखते हैं, कुछ उम्मीद है कि क्या होगा कब तक। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।